पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये रुद्र संहिता है 101 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं, काल को कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी काल के पेट से दुर्गा, और वो निकली हुई औरत कौन है उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएँ हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता, अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदा शिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्राणंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करें, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करें, करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, ये तो उपमा ये अनुवाद करता दे रहा है, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित शिव ने दुर्गा और काल ने पति पत्नी व्यवहार किया, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। यहां देखना 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 102 पृष्ठ पर नीचे आ जाए। तब उस शिव ने कहा, जो बालक उत्पन्न हो गया उसने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल का पुत्र है सतगुण विष्णु। अच्छा फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये है अध्याय नंबर 6 खत्म हुआ, 7वां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद को बता रहे हैं अपने पुत्र को ब्रह्मा जी,
तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने उस काल ने दुर्गा के संयोग से पूर्वत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं यहाँ अनुवाद करता गोलमोल कर गया कि भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाएं, लेकिन कहते हैं सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है, वो किसी के रोक की नहीं रुकती। आप दिखाते हैं, देखना नौवें अध्याय में यही रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 110 पे ये देखिएगा, इसके नौवें अध्याय के लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु और इस महेश से ये शिव काल रूपी ब्रह्म ये भिन्न है, ये इनका पिता है। और कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 24, 25 और 26 पे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक बार युद्ध हो गया, तो इस काल रूपी इनके पिता ने इनके बीच में एक लिंग यानी स्तंभ, इसको लिंग भी बोलते हैं, ये वो लिंग है जिसको पूजा करते हैं, यो जो और बकवाद करते हैं वो लिंग नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में इन, जिससे इनका युद्ध समाप्त हो गया। फिर ये काल शिव रूप में प्रकट हो गया, फिर इन दोनों से वार्ता करता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ आ जाओ, एक ये आपने 24 पृष्ठ पर देखा और 25 पे पढ़ा ये, और अब 26 पे फिर पढ़िए, या नीचे देखना। अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे ही जैसे हैं रुद्र और महेश ने, ये मैं नहीं, ये ने दो अन्य कृत, अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु अलग हैं, रुद्र और महेश्वर अलग हैं। ये महेश है यु काल का पुत्र तमोगुणी, और इस काल ने ही 11 रुद्रों की उत्पत्ति कर रखी है, 10 रुद्रों का यु 11वां रुद्र मुखिया है, और इसके ऊपर भी इसी का कंट्रोल है काल के पुत्र का। तो हमने जो अपना कंसेप्ट जो समझना है, जो क्लियर करना है कि काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, इति सिद्धम। और ये क्या कहता है कि मेरा ओम नाम है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी मेरा ओम मंत्र है वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब यह स्पष्ट करता है कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। अब इसमें अ उ मैं ये तीन अक्षर हैं, और ये ऊपर ना आवाज़ ये बिंदु है, तो ये पांच अवयवों से एक बन गया। इन सभी अवयवों से, इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया,
अब जो ये लिखा है ना ओम नमः शिवाय, ये इन फिक्की शाही में लिखा है, ये गलत है, ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये पंच अक्षर मंत्र। तो ये पहले बता दिया कि इन पांचों से, इन पांचों अवयव से एक होकर इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ये पंचाक्षर मंत्र यू ही हो गया, और के नारी उत्पत्ति क्या हुई है, यही पंचाक्षर मंत्र है, ये मेरा मंत्र है अपनात्मा, ये ओम नमः शिवाय बना दिया ना, यह पंचाक्षर मंत्र है। अकार मकार उकार यू पहले ने बता दिया, ये अब हम हिंदी वाली पढ़ते रहे ओम नमः शिवाय का रट लगा दिया, ये मूल संस्कृत में नहीं है। अब हमने यहाँ से ये लेना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है, ये काल है। अब गीता जी में आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में यही गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपने पुत्र विष्णु में, और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, और ये उच्चारण करके स्मरण करना होता है, तो मेरे वाली यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है, वो ब्रह्म लोक में। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता कहता है 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। 2वें अध्याय के गीता जी के 12वें मंत्र में स्पष्ट किया है कि अर्जुन हम तुम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म भी नाशवान है। ये क्या कहता है कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को पूर्ण रूप से जानता है, सब विभाग जानता है, सवेदवित, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की साधना करनी चाहिए। अपनी साधना को भी छोड़ रहा है ब्रह्म, कहता मेरी भी नहीं करनी, केवल उसकी साधना करनी चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृत वचन, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, कोई भी सत्य परिचित नहीं है, वेद ज्ञान से भी परिचित नहीं है। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने कितना ज्ञान था वो और बताते हैं, वैसे तो समझदार को संकेत बहुत होता है कि जब ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं, ये विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, विष्णु को ज्ञान नहीं वो दुर्गा को सर्वेश्वर बतावे, दुर्गा को ज्ञान नहीं वो ब्रह्म को सर्वेश्वर बतावे, और ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी साधना करो, उसका ज्ञान ब्रह्म को नहीं। वो 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि उस ज्ञान को, जो 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यथार्थ ज्ञान है, उस तत्व, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, वो बताएंगे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। तो इससे संकेत तो यही बहुत होता है पुण्यात्मा को, फिर भी सतयुग के ब्राह्मण, ये व्यास जी और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र, ये मार्कंडेय, भारद्वाज, ये सारे आ जाएंगे भी इनके एक ही सत्र था, क्योंकि ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, वह दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।